नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ मित्रों आप सब ठीक होंगे। देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। देखिए, जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि कहते किसको? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्यंजन संधि कहते किसको है। देखिएगा, जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि की यही पहचान है कि अगर इस धन से पहले क्या हो, कोई न कोई व्यंजन होना अति आवश्यक है। और धन के बाद में क्या होना चाहिए? या तो कोई व्यंजन हो या कोई स्वर हो। तो अगर व्यंजन के बाद में व्यंजन या स्वरों के मेल से जो इनमें व्यंजनों में जो विकार उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं व्यंजन। और व्यंजन संधि जो सीखनी है, इसमें सबसे पहले हमारे को कुछ नियम हैं वो याद होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो आज तो हम इनके नियम सीखेंगे, बाद में इनका प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से और एग्जांपल का वीडियो बनाया जाएगा। देखिए, अगर व्यंजन संधि सीखनी है, उससे पहले हमारे को व्यंजनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिएगा, व्यंजन कौन कौन से होते हैं। एक होता है क वर्ग में, देखिए क्या होता है, क ख ग, ये होते हैं च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग, प वर्ग। एक वर्ग का मतलब क्या होता है, एक वर्ग में पांच वर्ण आते हैं। अगर आपको व्यंजन या स्वर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो हमारा वर्ण विचार का जो वीडियो डाल रखा है उसमें आप देख लीजिएगा। देखिए, जो ये क से लेकर प वर्ग तक है, ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ये रेलव है, इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है? अंतस्थ नाम से जाने जाते हैं। और ये स स स है, इनको बोलते हैं उष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन बोलते हैं? उष्म व्यंजन। देखिएगा, जो उष्म व्यंजन है इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद में अगर आपसे जैसे कहा जाए कि पहला, तो पहले का मतलब क्या समझोगे आप? ये वाले पूरे वर्गों के पहले जो वर्ण है वो क, च, ट, त, प, ये समझोगे आप। इसी प्रकार दूसरे का क्या समझोगे? ये समझोगे ख, छ, ठ, थ, फ। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको व्यंजनों की नॉलेज नहीं है तो व्यंजन संधि आपसे नहीं होगी। इसलिए आप प्लीज़ सबसे पहले व्यंजनों की नॉलेज लीजिए, वर्ण विचार का जो हमारा वीडियो है उसको देख लीजिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो पहले का मतलब ये सब, दो का मतलब ये, दूसरे का सभी, तीसरे का मतलब ये सभी, चौथे का मतलब ये, और पंचम का मतलब ये। पंचम, इनको नासिक के वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन ही बोलते हैं। देखिए, व्यंजन संधि के जो नियम हैं उनको पढ़ाने से पहले ये आपको आना जरूरी है। देखिए, जो अंतस्थ ये रेलव होते हैं, उसमें सहस होते हैं, और ये आप पांचों सीख गए। अब आता है कि अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, यानी कि हमारी स्वर तंत्री में जो कंपन होता है उसके आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा, सॉरी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। अघोष कौन कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं। और सघोष क्या होते हैं? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि ये क्या होते हैं? सघोष। ये क्या होते हैं? सघोष। ये पूरी लाइन यहाँ तक, बह तक, इसी प्रकार इसकी भी यहाँ तक और इसकी भी यहाँ तक। और सघोष में क्या आएंगे? अंतस्थ व्यंजन आएंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये चारों। और क्या आएंगे? जो 11 के 11 स्वर है वो सब इसमें आएंगे। और इधर अघोष में आ जाएंगे ये तीनों से। इसको तालव्य से बोलते हैं, इसको मूर्धन्य से बोलते हैं, इसको दंते से बोलते हैं, और एक आ जाएगा है, इसमें सघोष में चल जाएगा। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखिएगा, अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल समझा देता हूँ। देखो, नियम नंबर पहला, नियम नंबर पहला क्या है कि अगर इस धन के निशान से पहले या धन से पहले किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ जाता है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ जाता है, तो इस पहले वर्ण के स्थान पे क्या हो जाता है? उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है। जैसे सपोज करो, ये क्या दिया मैंने, किसी भी वर्ग का पहला, किसी भी वर्ग का पहला क्या हो गया? तो क होगा या च होगा, ट होगा, तय होगा, प होगा, कोई भी आ सकता है। तो आपको इसलिए तो मैं पहले बता रहा था कि आप ये सब कुछ सीख लीजिए। देखिए,
उसके बाद में सगोस वर्ण आ जाते हैं। कौन से वर्ण आ जाते हैं? सगोस। सगोस का मतलब क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा, या है, या अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब ग्यारह लव है, और सवर का मतलब जो ग्यारह जानते हो आप, ये आ जाते हैं। तो पहले का क्या बन जाता है? तीसरा बन जाता है। क्या बन जाता है? तीसरा बन जाता है। इसी प्रकार देख लीजिएगा, मैं अलग अलग आपको ये नियम सिखा देता हूं। नियम नंबर टू, अगर किसी भी वर्ग का तीसरे वर्ण के बाद में अगर अघोष वर्ण आ जाते हैं तो ये तीसरे के स्थान पे क्या बन जाता है? पहला। अघोष का मतलब क्या है? पहला और दूसरा और सहसे तीनों से। ओके, इसी प्रकार देखिएगा नियम नंबर तीन, अगर किसी भी वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण के बाद में अगर ने या मैं आ जाता है तो इन दोनों की जगह पे क्या बन जाता है? पांचवा वर्ण बन जाता है उसी वर्ग का। समझ गए? अब देखो मैं के नियम कहलाते हैं। अगर सपोज करो मैं के बाद में 25, इन सबको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन चारों को क्या कहते हैं? अंतस्थ, इनको उसमें, और ये पंचम है, इनको नासिक कहते हैं। अब देखिए, अगर मैं के बाद में ये 25 स्पर्श व्यंजन आ जाए, कैसे लेके प वर्ग वाले पूरे यानी क ख ग पूरे कैसे लेकर मैं तक आ जाते हैं, तो ये क्या इनकी जगह पे क्या बनेगा? या तो अनुस्वार बन जाएगा इस मैं की जगह पे, या तो अनुस्वार बन जाएगा या पांचवा वर्ण बन जाएगा। आगे देखिए, अगर इस मैं के बाद में भाई ये 25 आ गए तब तो क्या बनेगा? या तो अनुस्वार बनेगा या पंचम बनेगा। और अगर अंतस्थ और उष्मा आते हैं तो हमेशा ही नोट करके रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इसका सिर्फ क्या बनेगा? अनुस्वार ही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार देखो, ये तयदय के नियम कहलाते हैं। किसके नियम कहलाते हैं? तयदय के नियम कहलाते हैं। प्लस के पहले तय या दय हो तो चय, और उसके बाद में चय या छय आ जाता है, तो इस तयदय के स्थान पर क्या हो जाता है? हलंत वाला चय हो जाता है। इसी प्रकार देखिएगा, तय और दय के बाद में जय झय आ जाता है तो तय दय का क्या बनता है? जय, वो भी हलंत वाला। तय या दय के बाद में टय ठय आ जाता तो टय बन जाता है हलंत वाला। इसी प्रकार तय दय के बाद में डय ढय आ जाता है तो क्या बन जाता है? डय बन जाता है हलंत वाला, हलंत है ये। इसी प्रकार तय या दय के बाद में ल आ जाता है तो तय दय की जगह पर बनता है ल, इन दोनों का मिलके नहीं बनता, ध्यान रखना, ये हमेशा याद रखिएगा। तय या दय के बाद में अगर स आ जाता है तो इस तय दय के स्थान पर तो क्या बनेगा? तय बनेगा, और इस स का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अभी मैं आपको इनके एक एक दो दो एग्जांपल करा दूंगा और बाकी जो प्रैक्टिस सीट है वो उसमें दे दूंगा। देखिए जो नियम है अगला, परि के बाद में अगर क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द आ जाता है तो इन दोनों के बीच में किसका आगम हो जाता है? इस वाले स का आगम हो जाता है, ये वाला स आ जाता है बीच में, तो इसको बोलते हैं शागम। क्या बोलते हैं? शागम। और ये कौन सा सह है? मूर्धन्य सह, उच्चारण स्थान के आधार पे। देखिए इसी प्रकार सम के बाद में अगर क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द आ जाता है तो इस वाले सह का आगम हो जाता है, इसको दंते सह बोलते हैं। इसी प्रकार स्वर के बाद में, मान लो किसी भी स्वर के बाद में अगर छ आता है और छ, तो इनके बीच में च का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? चय का आगम हो जाता है। इसलिए कई बार कुछ विद्वान हैं, कुछ वैयाकरण हैं, तो इनको नाम दे देते हैं इस संधि का, ये शागम सागम और चागम संधि के नाम से भी जानी जाती है। देखिए नियम अगला क्या है, ई ऊ ए, इनके बाद में अगर ये वाला दंते स आ जाता है तो इस दंते स की जगह पर कौन सा स बन जाता है? मूर्धन्य स बन जाता है। और कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि इस मूर्धन्य स के बाद में तय थ न आ जाता है, तो देखिए नियम क्या है, इस तय का क्या बन जाएगा? टय, और थे का क्या बन जाएगा? ठ, और न का क्या बन जाता है? ण। इसी प्रकार अगला नियम देखिए, एक अगर किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा हो और उसके बाद में ह आ जाता है तो देखिए क्या होगा, उसी वर्ग का इनका तो क्या बन जाएगा? तीसरा, और ह की जगह पर जिस वर्ग का आता है उसी वर्ग का क्या बन जाएगा? चौथा बन जाएगा। देखो एक और है, न के बाद न का ण कब, न का अण कब कब बदलता है, तो देखिए अगर ई री र श ये हो, ई री र श, और उसके बाद में क वर्ग आ जाए, प वर्ग आ जाए, कोई सा भी स्वर आ जाए, ये आ जाए, वह आ जाए, और है आ जाए, तो इस न किस में बदल जाता है? अण में बदल जाता है। इनके अलावा व्यंजन संधि का एक और नियम है,
अगर हैन के बाद में र आता है तो किस में बदलता है, हैन किस में बदल जाएगा, हो। और हैन के बाद में र के अलावा अन्य व्यंजन आते हैं या अन्य वर्ण आ जाते हैं तो हैन किस में बदलेगा, हैर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, हैर। और याद रखना जो हैर है ये र हलंत वाला है। ओके दोस्तों, अब देखिएगा मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है वो बता देता हूँ इन नियमों के अनुसार। देखिएगा जैसे मेरे पास आया दिक प्लस गज शब्द है, कौन सा है, दिक प्लस गज संधि विच्छेद शब्द है। अब देखिएगा मैंने क्या कहा था, प्लस के पहले क्या हो, किसी भी वर्ग का पहला, इस नियम के अनुसार होगा ये, तो इस पहले की जगह पे क्या बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। क वर्ग का तीसरा कौन सा होता है, क ख ग, क्या होता है, ग। और ये दिक क कैसा, आधा, तो ग भी कैसा हो जाएगा इसका, आधा। तो शब्द बनेगा ये क्या, दिग्गज, क्या बनेगा, दिग्गज। इसी प्रकार देखिएगा वाक प्लस ईश का क्या बनेगा, वागीश, क्या शब्द बनता है, वागीश। उद प्लस कोच का क्या बनेगा, देखिए द कौन से, मतलब तय वर्ग का क्या है, तीसरा, तो तीसरे का हम क्या बनाएंगे, पहला, तो द की जगह पे क्या बन जाएगा, तय। तो क्या लिखूंगा इसको, शब्द लिखूंगा जब, उत्कोच, क्या लिखूंगा, उत्कोच। देखो आपको व्यंजन संधि में एक चीज क्लियर कर देता हूं, ज्यादातर संधि शब्द में अगर तय आता है तो आप द कर दीजिए और द आता है तो तय कर दीजिए, ऐसा उल्टा कर दिया करो, उससे आराम से हो जाएगा। उद प्लस सा का क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा जगत प्लस नाथ, मैंने क्या कहा था, किसी भी वर्ग का पहला और तीसरे के बाद में नए या मय आ जाता है तो किस में बदल जाता है, पांचवें में बदल जाता है। देखिए जगत प्लस नाथ का क्या हो जाएगा, जय, तय, तय का पांचवा कौन सा होता है, तय का पांचवा न, तो आधा न और पूरा ना, थे, क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। इसी प्रकार उदनयन का क्या बन जाएगा, उन्नयन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उन्नयन। देखिए मैंने आपको नियम बताया, मै के बाद में अगर ये 25 स्पर्श व्यंजन आते हैं तो इस मै की जगह पर हम अनुस्वार भी बना सकते हैं और पांचवा भी बना सकते हैं, लेकिन मै के बाद में अंतस्थ और उष्म व्यंजन अगर आएंगे, उष्म व्यंजन आते हैं तो हमेशा नोट करके रखिएगा अनुस्वार ही बनेगा, ना कि कोई पंचम बनेगा, क्योंकि पंचम होता ही नहीं इनका, तो कैसे बनेगा। देखिए सम प्लस धी को कैसे लिख सकते हो आप, एक तो अनुस्वार लिख दो मैं का संधि, और एक ऐसे भी लिख सकते, सॉरी इस प्रकार से भी संधि लिखी जा सकती, क्यों, क्योंकि मैं के नियमों के अनुसार हो रहा है। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का है। सम प्लस देश का देखो संदेश आप अनुस्वार लिख के भी लिख सकते हो और संदेश ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि द का पंचम कौन सा होता है, द वाली लाइन में कौन सा होता है, नहीं तो होता है, तो संदेश लिख दो। इसी प्रकार देखिएगा सम प्लस हार, सम तो इसका हो जाएगा, देखिए सम प्लस हार का क्या हो जाएगा, संहार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संहार। संहार किस प्रकार हुआ मैं बता देता हूं। देखिए मैंने कहा मै के बाद में, हमने आपको बताया कि मै के बाद में अगर अंतस्थ या उष्म व्यंजन आ जाता है तो मै की जगह पर सिर्फ क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा, और वो अनुस्वार देखिएगा तो ये अनुस्वार सह के यहाँ लग जाएगा। अब इसका पंचम नहीं बनेगा क्योंकि है ना, जो है वो कौन सा है, उसमें है, तो हमारे नियमों के अनुसार ऐसे हो रहा है। इसी प्रकार सम प्लस योग का सिर्फ संयोग ही होता है, आप ऐसे मत कर देना साहब इसकी जगह में मैं लगा दे या न लगा दे, ये गलती कभी मत करना। देखिए तय द के नियम मैंने आपको बता दिए, तय द के बाद में अगर चय छ आ जाता है तो तय द का क्या बनता है, चय। और तय द ये सारे सब कुछ मैंने आपको बता दिया, तो तय के बाद में क्या रहा, ल। तो देखिए तय या दय के बाद में ल आता है तो तय दय की जगह पे क्या बन जाता है, ल बन जाता है, तो इसका शब्द बनेगा तल्लीन, क्या बनेगा, तल्लीन। इसी प्रकार इसका तय का क्या बनेगा, तय के बाद में क्या, च, तो तय का क्या बनेगा, च बनेगा यहाँ पे, तो भगवत चरण क्या बन जाएगा, भ ग व आधा च पूरा च और ण, भगवत चरण।
देखिए सत प्लस जन का क्या बनेगा, क्योंकि तय के बाद में अगर जय होता है, तय या दय के बाद में जय होता है तो क्या बन जाता है, आधा जय बन जाता है। तो इसका क्या बन जाएगा, तय का आधा जय और विजय जय, तो शब्द बन जाएगा सज्जन। इसी प्रकार देखिएगा सत प्लस टीका का सट्टी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा टय पूरा ये टैक सट्टी का, क्योंकि मैंने आपको बता रखा तय के बाद में अगर टय ठय आ जाए कोई सा भी तो क्या बन जाएगा, इस तय का टेब बन जाएगा। देखिए उद प्लस स्थान, उद प्लस स्थान का देख लीजिए दोस्त, अगर कभी तय या दय के बाद में ये वाला से आ जाता है, दंते से आ जाता है, तो इस सह का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और तय दय की जगह क्या हो जाएगा, तय। अब देखिए मैं करता हूं, इस दय की जगह पे तो क्या कर दूं, आधा तय, और इस सह का क्या कर दूं, लोप कर दूं, शब्द क्या बनेगा, ऊ आधा तय और थान उत्थान, क्या शब्द बनेगा, उत्थान। देखिए अगर तय या दय के बाद में ये तालव्य से होता है, इसको तालव्य से बोलते हैं, तालव्य से होता है तो इस तालव्य की छ की जगह पे तो क्या बन जाता है, छ, और तय दय की जगह पे क्या बन जाता है, च बन जाता है। देखिए मैं बना देता हूँ, इस तय की जगह पे तो क्या बनाऊंगा, च बना देता हूँ, क्या बना दिया, च, और इस स की जगह पे क्या बनाऊंगा, छ, तो शब्द क्या बन जाएगा, मैं, तय की जगह पे क्या बना दिया, आधा च, और सर की जगह पे क्या बना दिया, छ, तो क्या बन गया शब्द, मच्छर, इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिएगा जो मच्छर है, आपको शब्द दिया जाएगा मच्छर और मच्छर का संधि विच्छेद करो, तो हम करते हैं मत प्लस छर होगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से क्या है, मत प्लस सर है। देखिएगा इसी प्रकार ये यावत है, यावत प्लस शरीर, तो तय तय का क्या कर दो, चय कर दो, और छ का क्या कर दो, छह कर दो, तो शब्द क्या बन जाएगा, याव आधा च और छ और रीर, यावत शरीर, क्या बन जाएगा, यावत शरीर शब्द बन जाएगा। मैं इनको मिटा दूं, चलो आप पहले बता देता हूं इनको। इसी प्रकार देखिएगा परी प्लस कार, देखो परी का बाद में अगर कोई क्री धातु से बना हुआ शब्द आता है तो दोनों के बीच में किसका आगम हो जाता है, सह का आगम हो जाता है, मूर्धन्य सह का, तो देखो परी ऐसे कैसे लिख दूंगा, और सह कैसा है, आधा और बाद में क, तो इस स का आगम हो गया बीच में, स आ गया बीच में, तो इसको सागम संधि बोलते हैं। इसी प्रकार हो जाएगा परिष्कर्ता, क्या हो जाएगा, परिष्कर्ता, अगर सम के बाद में क्री धातु से बना होता है तो कौन सा वाला स आता है, दंते स आता है, और इसमें कौन सा स आ जाएगा, दंते स, तो संस्कार, क्या हो जाएगा, संस्कार शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार संस्कृत हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा, कुछ भी शब्द बना सकते हो, जब आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बता दिया जाएगा आपको। देखिए अनु प्लस छेद, अगर किसी भी स्वर के बाद में छ आता है तो किसका आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है, किसका आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है। देखिएगा सॉरी दोस्तों, देखिए अनु प्लस छेद का इनके इसमें, यानी कि देखो पहले क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है और बाद में क्या आ गया, छ, यानी कि कोई सा भी स्वर आ गया और उसके बाद में छ आ गया, तो इनके बीच में किसका आगम हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा, किसका आगम हो जाएगा, च का, तो शब्द क्या बनेगा, अनु आधा च और छेद। इसी प्रकार विच्छेद, विच्छेद में कौन सा आ जाएगा, च आ जाएगा, विच्छेद। देखिएगा संधि में अगर पूछ लिया जाता है कौन सी संधि है, तो संधि में तो ये वाला नियम लागू हो रहा है, कहाँ गया, सम प्लस धी, ये वाला, मैं के बाद में 25 स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं तो ये, लेकिन विच्छेद, विच्छेद में देखिए चागम संधि वाला एग्जाम्पल काम आ रहा है, ये वाला सूत्र काम आ रहा है। देखिए अभिषेक, अगर कभी इस नियम को पढ़िएगा, ई ऊ ए इनके बाद में ये वाला स आ जाता है, दंते स, तो इनकी जगह क्या हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है। देखिए तो इस बाद में कौन सा आ गया, इधर आ गया ई, और इधर स्वर आ गया ना कोई सा भी, और इधर बच गया स आ गया, तो इस स की जगह कौन सा कर दूंगा, ये वाला स कर दूंगा, तो शब्द बनेगा अभिषेक। इसी प्रकार निषेद का क्या, निषेद कैसे बनेगा, निषेद। इसी प्रकार सुषमा का क्या बन जाएगा, इस सह की जगह पे ये वाला सह कर दो, सुषमा। देखिए
प्रति प्लस स्थान, देखिएगा। तो देखो प्रति तो ऐसा का ऐसा लिख दिया जाएगा, इस सह की जगह पर कौन सा सह कर दूं, ये वाला सह कर देता हूं आधा, ठीक है। और मैंने आपको बताया इस वाले सह के बाद में अगर थ होता है, इस सह के बाद में थ होता है तो किस में बदल जाता है, ठ में, तो क्या बन जाएगा, ठा। उन प्रतिष्ठान को जब लिखूंगा तो कैसे लिखते हैं, प्रतिष्ठान, ठीक है, प्रतिष्ठान। तत् प्लस इत, देखिएगा तय या ये देखो किसी भी वर्ग के पहला दूसरा तीसरा चौथा इसके बाद में है आता है, तो इन पहले दूसरे की जगह क्या बन जाएगा, तीसरा, और है की जगह पे जिस वर्ग का वह है उसी का ही चौथा बन जाएगा। तो तत् प्लस हित का क्या बनेगा, देखो तय का तो क्या बना दूं, तीसरा, और है का क्या बना दूं, इसी वर्ग का चौथा। देखिए अब मुझे बताइए, देखो मैं तय तो वैसा का वैसा ही लिख देता हूं, कोई बात नहीं। अब इस तय वर्ग का मुझे इस तय वर्ग की जगह पर तीसरा करना है, तो क्या हो जाएगा, द, देखिए द लिख देता हूं, द आधा है, और तय वर्ग का चौथा कौन सा है, ध, क्या इस है की जगह पे क्या बनाऊंगा, ध बनाना पड़ेगा मुझे, ध, और पीछे क्या बचा, ध में इ की मात्रा है, दित, तद्दित। अब इसको प्रॉपर तरीके से लिखूंगा, जब कैसे लिखूंगा, तद्दित, क्या शब्द बनेगा, तत् प्लस हित का क्या बनता है, तद्दित। इसी प्रकार वाक प्लस हरि का, कै का क्या बनाऊंगा, ग, और इसका क्या बनाऊंगा, घ, तो शब्द बन जाएगा वाग घरी, वाग घरी। इसी प्रकार देखिए अहन के बाद में र आता है, तो अहन की जगह क्या बनता है, अहो, और अहन की जगह पे अहन के बाद में र आ जाता है, तो र के अलावा शब्द आते हैं तो क्या बन जाता है, हैर बन जाता है। देखिए अहन के बाद में र आ गया तो अहन का क्या हो जाएगा, अहो, क्या हो जाएगा, अहो, शब्द बन जाएगा अहो रूप, क्या बन जाएगा, अहो रूप। अहन के बाद में र के अलावा अन्य कोई आ रहा है तो क्या बन जाएगा, अहर, तो क्या बनेगा शब्द, अहर मुख, क्या बनेगा, अहर मुख। प्रॉपर तरीके से लिखूंगा, जब कैसे लिखूंगा, आधार रह मैं के ऊपर चल जाएगा, अहर, सॉरी, अहर मुख, क्या बन जाएगा, अहर मुख। इसी प्रकार देखिए नय कर्ण है कब कब बदलता है, ई री रे से के बाद में कैवरग पैवरग, ये वह है तथा कोई सा भी स्वर आ जाता है तो ये मैं, सॉरी, नय नय किस में बदल जाता है, नय में बदल जाता है, तो परी प्लस नाम का क्या होगा, परिणाम, क्योंकि देखिए इसमें क्या गया, रे, परी प्लस मान का परिमाण। देखिए संस्कृत में एक पुराण, इसका पूरा प्लस ना का नय का क्या बन जाएगा, पुराण, क्या बनेगा, पुराण बन जाएगा। देखिए अब मैं आपको बता देता हूं, संस्कृत वाली कुछ है संधिया तो इसमें क्या हो जाता है, नय का लोप हो जाता है, जैसे पक्षीन प्लस राज क्या हो जाएगा, पक्षी राज, मंत्रीन प्लस परिषद क्या हो जाता है, मंत्री परिषद हो जाता है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूंगा, अब हमने क्या इनको समझ तो लिया, लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम, वो ये बनाएंगे कि इसके जितने भी और एग्जाम्पल है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हम करा सकें आपको। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।